छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के आदिवासी क्षेत्रों के साथ ही शहरी लोगों को इलाज में कमी ना हो, बस्तर के मरीजों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी व विशाखापट्टनम न जाना पड़े, इसके लिए जगदलपुर से 15 किलोमीटर दूर इमरापाल में 425 करोड़ लागत से मेडिकल कॉलेज को बनाया गया। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के खुल जाने के बाद भी यहाँ के मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और उपचार के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज अब रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जा रहा है। बात करें अगर यहाँ आने वाले मरीजों को, तो रोजाना 100 से ऊपर मरीज आते हैं, जिसमें करीब 30 के लगभग मरीज रेफर हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज में करीब 16 वार्ड बनाए गए हैं। वहीं इस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए थे, लेकिन इन सब के बाद भी अस्पताल में स्टाफ की कमी लगातार बनी हुई है। न तो अस्पताल में पूरे चिकित्सक हैं और न ही मरीजों का उपचार करने के लिए स्टाफ नर्स, जिसके कारण यहाँ आए दिन आने वाले मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में उपकरण तो है, जितनी जरूरत पड़ती है उतने उपकरण तो है ही। तो फिर रेफर करने का काम है सर? रेफर उसी को करते हैं जैसे कोई हेड इंजरी का आ गया या फिर दिमाग की नस पड़ गई, हेमरेज हो गया, उसको न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए रेफर करते हैं। सर, अपने पास सीटी स्कैन, एमआरआई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीनें हैं, लेकिन उसके लिए अपने पास टेक्नीशियन ना होने के कारण उसको लाखों करोड़ों की मशीन। सीटी स्कैन मशीन अभी आई है, इंस्टॉल नहीं हुई है, एक आध सप्ताह में इंस्टॉल हो जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया सर? रेडियो डायग्नोसिस में ठीक है, हमारे पास अभी स्टाफ नहीं है, प्रशासन से लगातार पत्राचार कर रहे हैं। तो रेडियो डायग्नोसिस में वैसे भी उसकी जो फैकल्टी बहुत कम है, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। क्या कारण है कि डॉक्टर नहीं आना चाह रहे? रेडियो डायग्नोसिस वाले क्या है, बड़े शहरों में ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन बढ़ता है, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं।